नमस्कार, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और 22 के महासमर में सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी के ओबीसी महासम्मेलन की। विधानसभा चुनाव 2022 को जीतने के लिए बीजेपी पिछड़ी और अति पिछड़ी के अलावा दलित जातियों पर भी फोकस कर रही है। तो मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बीजेपी आज से लगातार 17 जातीय सम्मेलन आयोजित कर रही है और इस तरह कुल 37 जातियों के मुखिया को बीजेपी से जोड़ने के मिशन पर भी काम कर रही है। बिल्कुल, साथ ही बात करेंगे पीएम मोदी के उस महामंत्र की जिसकी बदौलत बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाने का प्रयास कर रही है। और छोटी पार्टियों की रणनीति को लेकर बड़े दल संजीदा नजर आ रहे हैं, क्योंकि छोटे दलों की दलगत राजनीति और जातीय गठजोड़ से कई बार बड़ी पार्टियों का खेल बिगड़ जाता है। चर्चा इस पर भी करेंगे, आखिर छोटे दलों की क्या है सियासी रणनीति। लेकिन सबसे पहले चर्चा बीजेपी के सामाजिक सम्मेलन की। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना फोकस पिछड़ों और अति पिछड़ों पर करना अब शुरू कर दिया है। बीजेपी जानती है कि जातीय गणित साधने से छोटी पार्टियों की जातपात की राजनीति को साधना आसान हो सकता है और पार्टी ने पिछड़े वोट बैंक के सहारे पिछली बार यानी कि 2017 में बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल की थी। एक बार फिर से आज इसी सियासी समीकरण को साधने के लिए बीजेपी जातीय सम्मेलनों की शुरुआत कर चुकी है। देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 को जीतने के लिए भाजपा पिछड़ी और अति पिछड़ी के अलावा दलित जातियों पर फोकस कर रही है। इसके लिए बीजेपी जातीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। यही नहीं, बीजेपी इस सम्मेलन के जरिए 37 जातियों के मुखिया को एक छत के नीचे लेकर आएगी ताकि 22 के महासमर में कमल को ज्यादा से ज्यादा खिलाया जा सके। मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर समाज का विघटन नहीं होने देंगे, सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। वंचित दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं आप सबके सामने। बीजेपी ने फिलहाल 17 सम्मेलन करने का फैसला लिया है। जिस जाति का सम्मेलन होगा उसके 1 से लेकर 2000 तक लोगों की उपस्थिति का लक्ष्य रखा गया है। आज लखनऊ के पंचायत भवन में प्रजापति यानी कुम्हार समाज की सभा आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी का अभियान सबका साथ सबके विकास का है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे ने अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए सभी समाजों को पार्टी के साथ जोड़ने के अभियान के साथ प्रतिनिधि सम्मेलन का प्रारंभ किया है। 17 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर तक हमारा यह अभियान चलने वाला है। उत्तर प्रदेश के ओबीसी वर्ग के हर समूह को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर राष्ट्र की भावनाओं को मजबूत किया जाएगा और प्रदेश को आगे बढ़ाया जाएगा। 2022 विधानसभा में जीत दोहराने के लिए बीजेपी थिंक टैंक ने ये योजना बनाई है। सम्मेलनों के जरिए पार्टी की योजना पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के बुद्धिजीवी लोगों को एक साथ जोड़ने की है ताकि इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी को गांव-गांव, गली-गली के लोगों का साथ मिल सके। कुल सत्य बात है, हम तो और मजबूत करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी पहले से बेहतर हम स्थिति 2022 में करें। मोदी जी के कार्य योजना से और माननीय योगी जी की कार्य योजना से सभी वर्ग, पिछड़ा वर्ग भी बहुत प्रभावित है और यहाँ हमारे पास समय नहीं रहा ज्यादा सूचना करने का, लेकिन लोग उत्साह में आए हैं। कुर्मी, पटेल, गवार समाज का सम्मेलन आयोजित होगा। ऐसे में मौर्य, कुशवाहा, यादव समेत 37 जातियों के सामाजिक सम्मेलन होंगे। 31 अक्टूबर तक इन सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। यही नहीं, इन सम्मेलनों का आयोजन हर एक विधानसभा में होंगे। करीब 200 सम्मेलन आयोजित कराने की पार्टी ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश के जब चुनाव सर पे हैं तब इनको सारी जातियों की याद आ रही है, धर्मों की याद आ रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इस जो खेल उन्होंने खेला था उस खेल में बुरी तरह वो पराजित हो चुके हैं और बुरी तरह से जनता ने उन्हें नकार दिया है। और सबको पता है, चाहे वो कोई जाति हो चाहे कोई धर्म हो, सब अपने आप को उत्तर प्रदेश में ठगा महसूस कर रहे हैं। सम्मेलन आज शुरू हो चुका है और 31 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम किया जाएगा। तकरीबन 17 ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन किया जाना है। मकसद एक ही है कि 2022 के चुनाव को किस तरीके से जीता जाए।
350 से ज्यादा सीटों को टारगेट बनाकर बीजेपी 22 के महासमर में उतरने जा रही। बीजेपी हर वर्ग और क्षेत्र से वोट जुटाना चाहती है, लिहाजा दलित और पिछड़ा वर्ग पर बीजेपी की खास नजर है। सरकार की लगभग सारी योजनाओं के लाभार्थी पिछले वर्गों से हैं, इसलिए पार्टी लाभार्थी वोट बैंक के रूप में इन्हें अपने साथ मजबूती से जोड़े रखना चाहती है, ताकि जाति आधारित छोटे दलों का कोई सियासी दांव राह में जोड़ा ना बन सके। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो बीजेपी का क्या है 2022 का मेगा प्लान? मेगा प्लान को पूरा करने का दारोमदार बीजेपी के किस बड़े नेता के कंधे पर है, यह सब आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल जिस तरह से हर महीने में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यूपी में आयोजित होता है, उसे यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के विजय रथ को एक बार फिर से प्रदेश में दौड़ाने के मिशन में जुट गए हैं। और बीजेपी अपने इसी विजय रथ को दौड़ाकर विरोधियों को पस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। खास बात यह कि इस मिशन में सारथी योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है, खुद मुख्यमंत्री एक एक तैयारी पर बारीकी से नजर रखते हैं। प्रदेश में इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट लाने पर है, इसलिए बीजेपी के सबसे बड़े सियासी रणबांकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वो आने वाले वक्त में लगातार दौरे पर दौरे करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने दो बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरे में यूपी वासियों को विकास की नई योजनाओं की सौगात दी जाएगी। दरअसल बीजेपी एक रणनीति पर काम कर रही है कि विपक्ष के हर निशाने का जवाब विकास की योजनाओं के तहत दिया जाए। पिछले कुछ दिनों के पैटर्न से ये साफ है कि कैसे मोदी अपने व्यस्त समय से उत्तर प्रदेश के लिए लगभग हर महीने वक्त निकाल ही लेते हैं। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी सोची समझी रणनीति पर काम कर रही है। यूपी की सत्ता और शासन की बागडोर भले ही योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, लेकिन चुनाव जिताने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। यही वजह है कि पीएम मोदी यूपी में चुनावी दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर ताबड़तोड़ कार्यक्रम लगेंगे। प्रदेश में 2022 में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी जान लगा दी है। हर लीडर के पास अलग अलग काम बांट दिए गए हैं। जाहिर है बीजेपी के कोर नेता ये जानते हैं कि अगर 2024 में एक बार फिर से दिल्ली फतह करनी है तो यूपी में 2022 में कमल ज्यादा से ज्यादा खिलना चाहिए। इससे उत्तर प्रदेश में पकड़ तो मजबूत होगी ही, साथ ही 2022 की जीत 2024 की जीत को भी सुनिश्चित कर देगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब जब उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखेंगे, योजनाओं की बाढ़ आएगी। पहली बार देश की आज़ादी के बाद क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने का काम, या जो विकास की दृष्टि जो जनपद आगे थे वो बड़े महानगर होते जा रहे थे, और जो छोटे जिले थे वो और पिछड़ते चले जा रहे थे न कोई। लेकिन आज योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद, जिस तरह से जो 14 में उन्होंने वायदा किया था, आज जब वो आ रहे हैं तो चीज़ें दे के आ रहे हैं। ये नहीं कि जीतने के बाद आते प्रधानमंत्री के रूप में कहते, उनके मन में था कि ये जनपद है तो हम क्या क्या दे सकते हैं। आज हाईवे दे दिया, रेलवे लाइन दे दिया, पासपोर्ट ऑफिस दे दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिया, केंद्रीय विद्यालय दे दिया। सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में विकास की कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे, लेकिन इसके पीछे चुनावी गणित भी है, जिसमें भगवान बुद्ध के अनुयायी उन लोगों को साधना है जो बीजेपी से दूरी बनाए हुए थे। कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में विकास की अनेक योजनाओं की सौगात के जरिए बीजेपी अब बुद्ध की धरती से राम की नगरी को साधने की कोशिश कर रही है। पूर्वांचल की धरती पर पीएम मोदी का कार्यक्रम भी मिशन 2022 की रणनीति का ही हिस्सा है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बुद्ध सर्किट के विकास के लिए सिद्धार्थनगर को चुनने के पीछे बीजेपी की गहरी चुनावी रणनीति है। हालांकि बतौर बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी की जिले की ये दूसरी यात्रा होगी।
साल 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने मोदी यहां आए थे, तब उन्होंने वादा किया था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां जरूर आएंगे। वादा के पक्के प्रधानमंत्री मोदी 25 अक्टूबर को अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के यह दौरे गोरक्ष प्रांत के साथ अवध प्रांत के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का माहौल बना देंगे। सहयोगी प्रवेश और वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोल साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, सिद्धार्थनगर। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी है और इसी के तहत पार्टी का कुनभा भी बढ़ाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद कादिर राणा पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ लखीमपुर खीरी के पूर्व विधायक आरएस कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने क्या बड़ी बातें इस दौरान कही हैं, ये भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। मजदूर पेट भर खाना नहीं खा सकता, महंगाई को लेकर हमलावर रहे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में आंकड़े सामने आए हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा था कहीं ना कहीं भुखमरी से लड़ना था जिस भारत को, यहां की सरकारों को वो इंतजाम करने थे, लेकिन वो इंतजाम नहीं किए। आज भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल से भी पीछे छूट गया है। तो ये आंकड़े इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो यूपी में जातीय समीकरण साधने के साथ साथ बीएसपी की अब बेरोजगार वोटर्स पर भी नजर है और बीएसपी अब स्नातकोत्तर बेरोजगार सम्मेलन का आयोजन कर रही है। कानपुर में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र ने बेरोजगारी समेत कई मसलों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। सतीश चंद्र मिश्र ने प्रदेश में अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा। जहां जहां पर नौकरियां मिलनी, अगर आप उन सबको खत्म कर देंगे, ठेके में डाल देंगे और उनको ठेकेदारी में दे करके आप समाप्त करने का काम करेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो पूरा देश देखेगा कि उत्तर प्रदेश में एक मिसाल के रूप में बनेगा कि कैसे बेरोजगारी दूर की गई। और इसी के साथ 22 का महासमर मिता है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।